हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके साथ लेकर आ गई हूँ एक और नया बेस्ट ट्यूटोरियल, जो कि है टाइगर ब्लैक प्रिंट पर। और ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न टाइप का होने वाला है और काफ़ी अच्छा बनने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज यूज़ करने वाले हैं प्राइमर। आपको कोई भी मेकअप करने से पहले, मैं सारी वीडियोस में बोलती हूँ, कैसा भी आप मेकअप कर रहे हो, लाइट कर रहे हो, हैवी कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, इससे पहले आपको स्किन रूटीन और स्किन केयर अच्छे से करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्किन डैमेज नहीं होनी चाहिए तो हम मेकअप कर पाएंगे। अगर हमारी स्किन फ्लॉलेस होगी, बेस्ट होगी, तो मेकअप भी उतना अच्छा दिखेगा। तो हमने कर दिया है स्किन केयर और अब लगेगा हमारे फेस पर प्राइमर। और प्राइमर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। ये है बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजर प्राइमर। इससे हमारे जो भी पोर्स हैं ओपन, वो सारे अच्छे से लॉक हो जाएंगे और हमारा मेकअप लगेगा फ्लॉलेस। मुझे थोड़े ओपन पोर्स ज़्यादा हैं, तो मैं इस प्राइमर को अच्छे से अपने फेस पर लगाने वाली हूँ। प्राइमर की हमने एक लेयर अच्छे से अप्लाई कर दी है, इससे हमारे जो पोर्स हैं वो लॉक हो गए हैं और जो हमारा मेकअप है वो हमारे पोर्स के अंदर एंटर नहीं करेगा। और हमारे मेकअप को बहुत ही अच्छा एक बेस मिल गया है, जिसके ऊपर मेकअप अच्छे से ब्लेंड होता है, क्योंकि हमारे बेस को ये स्मूथ कर देता है। और अब मैं मेरे फेस की करने वाली हूँ करेक्टिंग, क्योंकि मेरे फेस पर है थोड़ी सी रेडनेस। और क्योंकि वो तो रेडनेस क्यों है, क्योंकि रेगुलर मेरा फेस रेड ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि मुझे स्किन काफ़ी पतली है और सेंसिटिव है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का कलर करेक्टर, और ये वाला कलर करेक्टर है पिच। ये कलर करेक्टर मुझे वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर मेरे हल्के से डार्क सर्कल्स हैं। अगर मुझे डार्क सर्कल्स ज़्यादा होते तो मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ करती, तो मुझे कम है तो मैं ये वाला करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। और ये करेक्टर मैं फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी। मैंने पीच करेक्टर अच्छे से आईज़ के नीचे और आईज़ के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, और अब जहाँ पर ये रेडनेस है और थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, वो मैं ग्रीन करेक्टर से हाइड करने वाली हूँ। तो वो करेक्टर भी मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ही। मैंने मेरे फेस का पूरा कलर इवन टोन कर दिया है, क्योंकि जहाँ पर भी मुझे पिगमेंटेशन थी, डार्क सर्कल्स थे, उन सबको मैंने हाइड कर दिया है। और अब इसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी ताकि ये मेरे फाउंडेशन के साथ मिक्स ना हो। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का टिंटेड पाउडर। अब मैं मेरी आईब्रोज को फिल कर दूंगी। आईब्रोज को फिल करने से पहले मैं स्पूली से अच्छे से कॉम कर देती हूँ। करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर का ब्राउ पाउडर। आईब्रोज अच्छे से फिल कर दी हैं। एक्चुअली क्या, मेरी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिन है, तो मुझे ज़्यादा कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ओनली फॉर मुझे जहाँ पर मेरे थोड़े बहुत ब्लैंक्स हैं, वहीं पर मुझे फिल करने की ज़रूरत रहती है, तो वो मैंने कर दिया है। और अब मैं मेरी आईब्रो को अच्छे से ब्रश कर देती हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं रहे और ब्लेंडेड दिखे अच्छे से। आईब्रोज हमारी डन हो गई है। अब इस आईब्रो को अच्छे से अपन क्लियर डिफाइंड दिखाने के लिए कंसीलर का यूज़ करेंगे, और कंसीलर में यहाँ पर शुगर का यूज़ कर रही हूँ। आईब्रोज अच्छे से हमने डिफाइन कर लिए कंसीलर से, और अब मैं मेरे कंसीलर को एज अ बेस मैं मेरी आँखों पर लगा दूंगी। मेरे फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, और फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। आज सारे ही प्रोडक्ट मैंने शुगर के यूज़ किए हैं। ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, इसका नाम है रेज ऑफ कवरेज 24 आवर्स फाउंडेशन। अब इस फाउंडेशन को मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं मेरे फेस की हाइलाइटनिंग कर दूंगी। हाइलाइटनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का कंसीलर। हमारे फेस की हाइलाइटनिंग हो चुकी है।
है और अब हम फेस पर जो पूरा फाउंडेशन और कंसीलर लगा हुआ है उसको अच्छे सेट करने के लिए पाउडर का यूज़ करेंगे। मैंने आपको दिखा दिया था, मैं टिंटेड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मैंने लगा तो दिया, पर इसको जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको डस्ट आउट कर रही हूँ। और अब मैं मेरे फेस पर ब्लश अप्लाई करूँगी। ब्लश भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का ही, सबसे फेवरेट है मेरा। और अब मैं मेरे फेस पर ब्राउन्जर अप्लाई कर दूंगी जिससे मेरा फेस थोड़ा सा स्लिम दिखे, क्योंकि मैं थोड़ा चबी फेस है इसलिए। मैंने मेरे फेस को अच्छे से ब्राउन्ज कर दिया है और अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा आई मेकअप। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम ब्लैक टाइगर प्रिंटेड साड़ी पहनने वाले हैं, तो हमको ज़्यादा कुछ तड़क भड़क मेकअप नहीं करना है, न्यूट सा मेकअप करना है जो कि हमारे आउटफिट के साथ एकदम परफेक्ट लगे, हम भी उसमें एकदम परफेक्ट दिखें। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर फॉरएवर 52 की पैलेट, और इस पैलेट के अंदर से मैं जितने भी न्यूट शेड हैं और जितनी अच्छी क्रिएटिविटी कर सकती हूँ वो करने की पूरी कोशिश करूँगी, और आपको भी इसके साथ काफ़ी मज़ा आने वाला है। ट्रांजिशन शेड है वो रेडी कर दिया है, और अब मैं ग्लिटर लगाने के लिए यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की पैलेट, जिसके अंदर सारे ही शानदार कलर हैं, और इसके अंदर से मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्रे कलर। मैंने मेरी आईज़ के ऊपर ग्रे कलर का ग्लिटर लगा दिया है और ये आई मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब मैं मेरी आईलाइनर लगा दूंगी, और आईलाइनर मैं यहाँ पर अगेन शुगर की ही यूज़ करने वाली हूँ, और वो है ये वाली बॉर्न टू विंग आईलाइनर। ये काफ़ी अच्छी आईलाइनर है। आईलाइनर मैंने लगा दी है, अब इस आईलाइनर को मैं कर दूंगी थोड़ा सा स्मज, क्योंकि मुझे लुक एकदम क्लियर नहीं चाहिए, थोड़ा स्मज लुक चाहिए इसलिए। मैंने मेरे आईलाइनर को अच्छे से स्मज कर दिया है, और अब आईज के नीचे हल्का सा स्मोक ड्रो करने वाले हैं, और वो भी ब्लैक शेडो से ही। मैंने यहाँ पर काजल लगा दी है, और काजल मैंने यूज़ करी है शुगर लैक्मे एब्सोल्यूट की, जो कि मेरी फेवरेट है। इसका जो शेड है वो गोल्डन है, जो कि आंखों में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, एकदम ना ब्लैक दिखता है ना ब्राउन दिखता है, थोड़ा सा गोल्डन टच में है, तो ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। और अब मैं लगा दूंगी लिपस्टिक, और लिपस्टिक मैं यहाँ पर न्यूड शेड की ही यूज़ कर रही हूँ। और लिपस्टिक लगाने से पहले मैं शुगर का लगा देती हूँ लिप प्राइमर। लगाने से पहले हम लिप को अच्छे से लाइन कर देते हैं। अब मैं शुगर की ही वंडर वुमन सीरीज की लिपस्टिक लगा रही हूँ, और इसका शेड है 06। हमारी लिपस्टिक है वो लग चुकी है, और अब लगा देते हैं मस्करा। अच्छा लगता है मुझे काफी। अब मैं मेरे फेस पर लगा दूंगी हाइलाइटर। हाइलाइटर पे मैं काफी क्यूट सा यूज कर रही हूँ शुगर का, जो कि एकदम उसकी पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है, और मुझे हाइलाइटिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेकअप हो गया है कंप्लीट। अब इस पूरे मेकअप को अच्छे सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेटिंग स्प्रे, और सेटिंग स्प्रे में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का, जो कि है डीवी, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। ये हमारा फाइनल मेकअप, अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल
फाइनल लुक आप देख सकते हो। अगर ये लुक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और हाँ, इस लुक के मैं फुल फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगी, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो मेरे, और मेरे पिक्स को लाइक भी कर सकते हो। हाँ, मैं रील्स भी बनाती हूँ, वो भी आप देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं अच्छे से न्यू ट्यूटोरियल में। ओके, बाय।